गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कल हमने एस्टीमेट मेथड्स के क्वेश्चन लगाए थे 3 HP। आज उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो 3 प्रॉब्लम्स आपकी बुक में है, तो 3 मैंने लिख दिया। देखो कैसे इसी को भी एस्टीमेट मेथड में पढ़ना है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा आपको। सूरज बॉट ए जैकेट फॉर ₹752। सूरज ने एक जैकेट को खरीदा ₹752 का, एंड ए पेयर ऑफ शूज और एक जोड़े जूते खरीदे उसने ₹824 के। अब उसने बोला है इस्टीमेट बता रहा है, द कॉस्ट ऑफ हैज टू पे टू द शॉपकीपर। उसने पूरी कीमत कितने रुपए अदा की किसको, शॉपकीपर को। तो उसने एस्टीमेट मेथड में पूछा है और फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट, और उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रही, पूर्ण रूप से उसे कितने रुपए देने पड़े और एक अनुमानित कितने रुपए देने पड़े। तो हमने लिखा है सूरज बॉट ए जैकेट फॉर, सूरज ने खरीदी एक जैकेट कितने की, ₹752 की। तो सूरज बॉट ए पेयर ऑफ शूज, सूरज ने खरीदा एक जोड़ी जूते कितने, ₹824 के। तो फिर टोटल कॉस्ट पे 200 कीपर, यानी मतलब पूरा रुपया दिया 100 कीपर को। तो हमारे पास ये प्लस हो गया, जब ये प्लस हो गया तो 4 2 6 5 2 7 और 7 8 50। एक्चुअल कॉस्ट उसने 1567 रुपए, यानी 1576 रुपीज। अब एक्चुअल कॉस्ट में चलें, तो हम एरो लगा लेते हैं। अब जैसे वही एक्चुअल कॉस्ट का जैसे दिखाया था, दोनों देखो 100 प्लेस पर है, तो जस्ट उसके पीछे का नंबर देखते हैं 10 प्लेस वाला, तो यहां पर 7 था और ये पीछे 5 है, 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो वह नंबर इंक्रीज कर देते हैं, तो यहां पर 8 हो जाएगा 800। अब यहां देखो ओनली 8 है, पीछे 2 है, तो गिफ्ट नहीं देगा, तो यहां भी 8 ही रह जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ना है तो 8 8 60, तो हमारे पास 1600 रुपीज आ गया। तो मतलब कहने का है कि इसने दो कॉस्ट पूछी थी, एक्चुअल कॉस्ट ये रही और ये एस्टीमेट कॉस्ट। अब हमने लिखा नहीं है एक्चुअल कॉस्ट इतनी, एस्टीमेट इतनी, लेकिन हम आपको शो कर दिया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर सिंह ऑन ए मोबाइल फोन शो। मिस्टर सिंह की एक मोबाइल की दुकान है, ही हैज 54 मोबाइल फोन ऑन डिस्प्ले, यानी कि उसके पास 54 मोबाइल फोन है किसके, डिस्प्ले के द्वारा, एंड 93 इनसाइड और 93 उसके अंदर रखे हैं डिस्प्ले में। तो बताइए एस्टीमेट करिए, तो केवल इसने एस्टीमेट पूछा है, तो हाउ मेनी मोबाइल फोन डज ही है इन स्टॉक, तो उनके स्टॉक में कितने फोन रहे। तो हमने लिखा मिस्टर सिंह्स ओन ए मोबाइल फोन, मिस्टर सिंह्स के पास स्वयं के, ऑन मींस कहते हैं स्वयं अपने निजी के, मोबाइल फोन है 54। मिस्टर सिंह अब एंडेस कर दिया कि मिस्टर सिंह के लिए है, मिस्टर सिंह ऑन डिस्प्ले 93, तो टोटल मोबाइल फोन है वे स्टॉक। अब टोटल मोबाइल पूछा है तो एक्चुअल नहीं पूछा, तो हमें आपको एस्टीमेट बनाना है। देखो दोनों 10th प्लेस पर है, इसके पीछे 4 है, तो ये 5 का 5 रह गया, ये 9 है तो 9 का 9, इन दोनों को जोड़ दिया, ये टोटल एक्चुअल है। अगर आप इसकी एक्चुअल बनाना चाहें तो जोड़ सकते हैं 7 और 9 4, ठीक है।
ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, लेकिन इसमें केवल एस्टीमेट मेथड पूछा गया, तो ये वाला मेथड आपको निकालना होगा, ये नहीं निकालना है इसका, लेकिन आप निकाल सकते हैं जब आपके सामने मौजूद है तो। अब तीसरा क्वेश्चन है इसमें चौथा, एक वर्कर ऑफ ए मेडिकल लैब इज स्टडिंग ब्लड सैंपल, एक कर्मचारी मेडिकल लैब में क्या लेता है, सैंपल लेता है ब्लड के, ब्लड सैंपल ले रहा है, तो उसने फर्स्ट सैंपल लिया, पहली बार जो सैंपल लिया वो इकट्ठा किया 2815 सैंपल इकट्ठे किए। जरा यहां पर ये क्वेश्चन को समझना ढंग से, तो पहली बार सैंपल लिए 2815 एंड द सेकंड वन, जब उसने दूसरी बार लिए तो 1981 मोर देन द फर्स्ट, मतलब पहले वाले से 1981 ज्यादा लिए, पहली बार जो लिए थे 2815 उससे दूसरी बार में 1981 ज्यादा लिए। अब क्या कहता है, अबाउट हाउ मेनी ब्लड सेल वर कंटेंट इन द सेकेंड सैंपल, तो बताइए लगभग ये पूछा गया है, लगभग बताइए कि सेकेंड सैंपल कितना जा था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने लिखा है द फर्स्ट सैंपल कंटेंट, पहली बार सैंपल लिए या इकट्ठे किए गए 2815, सेकेंड सैंपल मोर फर्स्ट, मतलब जो सेकंड बार सैंपल लिए गए वो फर्स्ट से ज्यादा है, कितने 1981, इसलिए टोटल ब्लड सेल इन सेकंड सैंपल, तो मतलब हमारे दूसरी बार में कितने सैंपल रही, तो इसको भी प्लस कर रहे 516 97 और 234, कितने लिए। अब कहता है इसकी एस्टीमेट मेथड बताइए, एस्टीमेट मेथड देख लेते हैं हम। अब देखो दोनों 1000 प्लेस पर है, तो इसके पीछे 8 है 100 प्लेस पर, तो हमने अभी पढ़ा रखा था कि 5 है 5 से ज्यादा है, तो हम 1 नंबर इस पर प्लस कर देते हैं, तो 3 हो गया और 3000 निकल गया। ऐसे यहां 1 है और 9 है, तो 1 इसको देगा तो ये 2 हो गया, और टोटल इनको जोड़ दिया तो 5000 सैंपल आ गए। तो इस तरह से तुम्हारे 3x के खत्म हुए। अब नई एक्सरसाइज में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप पढ़ चुके थे, हमने आपको पहले वाले में पढ़ाया था मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं आती है, हम आपको दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, अगर टेबल नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो कल आप टेबल करके रखिएगा, कम से कम आप 10 तक टेबल करिए पक्की, और आगे का हल करिए।